हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये संबलपुर से 35.5 किलोमीटर दूर है। ये आप हीराकुंड नदी देख सकते हैं। हम लोग फिलहाल राइट डाइक रोड में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। इसी वे में मैं पहली बार भी आ चुकी हूँ वाटर पार्क के लिए। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही होगा। अब हम लोग जा रहे हैं देवरीगढ़ के ओर सीधा एकदम। तो हम लोग शायद पहुंच गए हैं। ये सामने है देवरीगढ़ का मेन गेट। हम ये पे अभी एंटर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये देवरीगढ़ का मेन गेट है। हमारी चेकिंग थी 12 बजे। हम लोग 2 घंटे पहले ही पहुंच गए हैं। 9:30 अराउंड हम लोग पहुंच गए हैं। तो अभी हमको 12 o'clock तक वेट करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कंपाउंड बहुत बड़ा है। इसके अंदर जाने का रास्ता है। आप यहीं पे ट्रेकिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, सफारी में जा सकते हैं। लास्टली ऑन सितंबर में ही यहाँ पे एक टाइगर स्पॉटिंग हुआ था। ये यहाँ पर एक टाइगर जोन भी है। ये है बुकिंग काउंटर। हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था जिसकी कॉस्टिंग है 7000 अराउंड, जहाँ पर लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट एंड बोटिंग टू बैट आइलैंड, चारों इंक्लूडेड है। आप सामने के शॉप देख सकते हैं, द सुवीनियर शॉप। वहाँ पर आपको देवरीगढ़ के जंगल रिलेटेड कप, वाटर बॉटल, टी शर्ट, ये सब आपको मिल जाएगा एस ए मेमोरी। एनिमल प्रिंटेड टी शर्ट वगैरह आपको मिल जाएगा। और वो सामने है बुकिंग काउंटर जहाँ पर आप चेकिंग कर सकते हैं। गाइस, पास में एक फूड कोर्ट है जहाँ पर हमने लिया है 2 ठो झाल मूढ़ी, कॉस्ट ओनली 10 रुपीज़। और मैंने लिया है 1 प्लेट एग मैगी, काफ़ी अच्छा था गाइस, इट कॉस्ट 20 रुपीज़ ओनली। नाउ इट्स टाइम टू चेक इन। हमको एक परमिट दिया गया है अंदर जाने के लिए, बस हमको वही शो करके अंदर घुसना है। Now we are ready to board to our real destiny, देवरीगढ़ नेचर कैंप। अब हम जंगल के अंदर से जा रहे हैं। हमको 3 किलोमीटर स्ट्रेट राइड करना है, उसके बाद राइट टर्न लेना है। इधर हमको बोला गया है कि हम लोग हॉर्न यूज़ ना करें, इट्स कम्प्लीटली नो हॉर्न एरिया। ये जगह बाइसन्स के लिए फेमस है। एक वाइल्ड बाइसन्स आपके गाड़ी को टर्न कर सकती है। यू हैव टू बी केयरफुल। आपको रुकना नहीं है, गाड़ी के नीचे उतरना नहीं है, चाहे व्हीकल में हो, साइकिल में हो। एक बार गाड़ी स्टार्ट किया, यू हैव टू एंड अप विद इन योर डेस्टिनी ओनली। ये है हमारा डेस्टिनेशन। फिलहाल मैं अपने कॉटेज के पास खड़ी हूँ। यहीं पे गाइड काफ़ी हेल्पफुल है। आपको कब कहाँ जाना है, आपको हर चीज़ में आपको गाइड करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हुआ गाइड से हेल्प ले सकते हैं। ये है हमारा कॉटेज, जो इसका नाम है अग्नि कॉटेज। इसको हमने ऑनलाइन बुक किया था। और ये सामने है डाइनिंग रूम, जहाँ पे आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे रूम कैसा है। बाय द वे, ये है और सामने आपको दिख रही है, ये इसका आउटसाइड व्यू। सामने महानदी रिवर है। इसका व्यू बहुत ही सुंदर है दिखने में। लेट्स गो इनसाइड टू आवर कॉटेज। ये है हमारा रूम। दिस इज आवर रूम। ये रूम हमारा डबल बेड, है। मिरर है, ये मिरर है। वो वॉशरूम है, ऊपर एसी है, रूम छोटा है, नो डाउट। ये कॉटेज के बाहर ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। हम लोग जा रहे हैं बोटिंग एरिया में। यहाँ पे बोट्स वगैरह सब लाइन में खड़े हैं। बोटिंग
हमारे तारीफ में ही इंक्लूडेड था। हमने डिसाइड किया है हम लोग बोटिंग्स कल सवेरे करेंगे, आज शाम के 3 बजे हम लोग सफारी में जाएंगे। ये हम लोग जस्ट देख रहे हैं अगल बगल क्या है, ट्री एंड वाटर। गाइस कैमरा गिर गया था। और देखते हैं सराउंडिंग में कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, देखते हैं पास जाकर तो क्या है असल में। ये कम्प्लीटली ग्रीनरी है, ये डेंस फॉरेस्ट एरिया में आता है, संभल के चलना पड़ता है। देखिए एक बेयर स्ट्रक्चर है, यहीं पे सिटिंग एरिया भी है, खाली धूप है इसीलिए छाव भी थोड़ा कम ही है। इट्स बेयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऐसा है। ये छोटा सा पूल है और एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है। ये खाली एक छोटा सा एक्टिविटी है खेलने के लिए और नहीं तो कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। ये था मेरा सराउंडिंग एक्सप्लोरेशन नियर माय कॉटेज। यहीं पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हैं टू मेक द प्लेस अट्रैक्टिव। ये जगह बहुत पीसफुल जगह है। नाउ इट्स टाइम फॉर आर लंच। लंच में आप नॉन वेज में फिश ले सकते हैं और वेज में पनीर। इट वॉज होमली कुक्ड फूड। वेल मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।